हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, ढेर सारा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैंने 1 कप बोनलेस चिकन लिया है। इसमें मैं 1 टीस्पून विनेगर, 1.5 टीस्पून सोया सॉस एंड 1 टीस्पून रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। इसके साथ एक छोटी प्याज, 2 हरे मिर्च, 3 लहसुन की कलियाँ, 1/2 टीस्पून नमक। अब इसका मैं एक पेस्ट बना लूँगी। इसमें मैंने पानी नहीं यूज़ किया है। और ये देखिए, इसकी अब छोटी छोटी बॉल्स बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना है, बिल्कुल इस साइज़ की। अब यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ। इसमें 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक कटे हुए डाले हैं, इसको रेड कर लूँगी। अब यहाँ पे एक छोटी प्याज डाला है और प्याज को हमें पिंक होने तक पकाना है, रेड नहीं करना है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस डाल के मिक्स दिया है। अब इसमें 1/2 कप पानी वाटर ऐड कर रही हूँ मैं, नमक, सॉल्ट एज पर यू टेस्ट। अब इसके अंदर देखिए बबल्स आने लगे हैं। अब मैं चिकन बॉल्स ऐड करूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस एक स्पून की हेल्प से मैं डाल दूँगी। इसको ढक करके 6 से 7 मिनट तक पकाऊँगी मैं। ये देखिए, अब पैन को मैं थोड़ा सा टॉस करूँगी, घुमा दूँगी। ये देखिए, मैं आपको बॉल्स दिखा दूँ, हमारी बॉल्स बिल्कुल अंदर तक पक चुकी है। और अब यहाँ पे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर पाउडर, 2 टेबलस्पून वाटर ऐड करूँगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊँगी। और हमारी स्वीट एंड सॉर बॉल्स रेडी हैं। इसमें मैंने हरी धनिया, कोरिएंडर लीव्स से गार्निशिंग की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।